तो मैकेनिक दोस्तों, अभी जो है इस हीरो स्प्लेंडर के इस पिस्टन में आपको हम प्रॉपर तरीका बताएंगे रिंग और पिस्टन को कैसे असेंबल किया जाता है ताकि स्मोकिंग का प्रॉब्लम ना हो और हमारी गाड़ी जो लॉन्ग लास्टिंग तक चले। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे ये एक स्प्लेंडर रिंग है और जब भी इसको इंस्टॉल करें तो इसका जो ये फेस है ये एम बनना चाहिए। डब्ल्यू अगर बनाते हैं तो फिर क्या होगा कि स्मोकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, कंबर्शन का प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसे एम साइज में बनाएंगे। और फिटिंग का सभी का तरीका अलग अलग होता है सभी मैकेनिक भाइयों का, बट क्या है कि हम जो आपको बताएंगे वो कंपनी रिकमेंडेड तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे इस एम शेप में लेना है और डायरेक्ट इसके इस अपोजिट साइड में डालना है। कौन से जगह पे? एग्जॉस्ट वाले साइड के जगह पे। क्या है कि एग्जॉस्ट वाले साइड पे इसके इस वाले साइड पे डालेंगे, इंटेक साइड पे कभी नहीं डालना है। उसके बाद क्या करना है, इसके दो साइड साइड में कंबर्शन रिंग जो ऑयल रिंग होते हैं उसको डालेंगे। अभी टॉप वन और टॉप टू नहीं डालना है हमें, इसके जो कंबर्शन रिंग है उसे डालेंगे। अब क्या है कि जहां पे इसके एग्जॉस्ट वाले साइड में इस वाले रिंग को डालें तो इसके जस्ट अपोजिट, या तो लेफ्ट या तो राइट या तो अपोजिट, इस तरह से डालना है। अगर एक ही जगह पे डालते हो तो क्या होगा कि लीकेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एक छोर पे इस वाले रिंग को डालेंगे। ये देखिए एकदम इजीली बैठ जाएगा, ज्यादा अगर आप इसको टफ तरीके से बैठाते हो तो टूट जाता है ज्यादातर, या फिर बेंड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये मैंने कर लिया। अब जब इस रिंग का मेरा जो पोजीशन आया है यहाँ पे इस वाले जगह पे, अब इसको जो डालेंगे तो इस वाले अपोजिट में डालेंगे। ये कंपनी का, जब आप हीरो का इंजन फर्स्ट टाइम खोलते हो तो देखिएगा सटीक तरीका यही रहेगा। वैसे भी स्क्रीन के ऊपर आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। तो ये जब मैंने क्या किया कि सभी का सेफ अलग अलग रखा, इसको यहाँ रखा तो इसको यहाँ रखा। अब यहाँ पे बचता है दो इस तरह से कंबर्शन रिंग, एक का नाम है टॉप वन, दूसरे का नाम है टॉप टू। तो टॉप टू अगर यहाँ पे देखें तो आपको टॉप टू का बेजिंग देखने को मिलेगा, और जस्ट इसके अपोजिट देखें तो आपको टॉप वन का बेजिंग देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, चलिए आपको क्लियर करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए टॉप टू लिखा हुआ, तो टॉप टू जो है उसको हम रखेंगे इसके एग्जॉस्ट साइड वाले यहाँ पे इस वाले एरिया में, इस जगह पे टॉप टू को रखेंगे, जस्ट इसके अपोजिट हम टॉप वन को रखेंगे। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए टॉप टू जो है हमारा एग्जॉस्ट साइड जाना है, और इंटेक साइड जो रखेंगे वो इसके इस साइड पे यहाँ पे रखेंगे, या फिर इसे क्लॉकवाइज लगा सकते हैं, इसको यहाँ पे 8 पे तो फिर 6 पे फिर 12 पे, बट वो तरीका सटीक नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको हम इस इंटेक वाले भाग में डालेंगे। ये देखिए टॉप वन को, ये जो तरीका होता है कंपनी रिकमेंडेड होता है। अब इसको थोड़ा सा ऑयलिंग करके इसको पिस्टन को फिटिंग कर देंगे। जब इस हिसाब से आप फिटिंग करते हो तो आपकी गाड़ी लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, स्मोकिंग का प्रॉब्लम कभी नहीं करेगा। वैसे सभी का अपना अपना तरीका है, आप अगर अपने तरीके से फिटेड करते हैं, आप अगर सेटिस्फाई हैं तो आप उस चीज़ को यूज कर सकते हैं, बट अगर ये स्टेप यूज करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे का और प्रोसेस बताते हैं कैसे फिटिंग करना है ब्लॉक को और कैसे असेंबल करना है।